नमस्कार। पैंडेमिक के दौर में जहां माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सामने वैसे ही कई चुनौतियां थी, तो रॉ मटेरियल्स के दामों ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इस बीच स्मॉल बिजनेसेस को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से जो अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं, इसके एमएसएमईज के लिए क्या मायने हैं, आज हम इसका जायजा लेंगे। साथ ही रॉ मटेरियल के मोर्चे पर किस तरह के सपोर्ट की दरकार है, एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में इस पर हम मंथन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एमवी रमेश बाबू, प्रेसिडेंट कुरिसिया, अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे, एससी रल्हन, प्रेसिडेंट लुधियाना हैंड टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं केवी कार्तिक, प्रेसिडेंट सीमा, सदर्न इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आप सभी का शुक्रिया। अनिल जी, एमएसएमईज को राहत देने के लिए कुछ और कदम जो उठाए गए हैं, उसमें ECLGS की जो लिमिट है वो बढ़ाकर अब 4.5 लाख करोड़ कर दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा है एमएसएमईज को इससे सपोर्ट मिला है, इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। ECLGS स्कीम एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम साबित हुई है, और यदि आप नंबर देखें तो अभी तक लगभग 1.10 करोड़ बिजनेसेस ने इसका फायदा उठाया है। लेट दैट नंबर सिंक इन फॉर अ मोमेंट, कितना बड़ा नंबर है। 1.10 करोड़ बेनिफिशियरी अभी तक हो चुके हैं, तो 2.7 लाख करोड़ के करीब का सेंक्शन हो चुका है, 2.3 लाख करोड़ जो है लगभग डिसबर्स हो चुके हैं। तो ये लगभग जितने पैसे थे एग्जॉस्ट हो गए हैं, और ऐसे बहुत सारे नए सेक्टर्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वेस्ट थी कि उनको इसमें शामिल किया जाए, और ये चूंकि कोविड 2 के लिए उनकी रिक्वायरमेंट और बढ़ी है। तो कुछ जैसे 20 यदि आपको मालूम है कि जो 20 करोड़ तक की लिमिट थी उसको भी बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया, 20% की उसको 40% कर दिया गया। तो कुल मिला के इस तरह की रिक्वायरमेंट थी, और ये बहुत अच्छा मूव। और कुछ ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कुछ लोगों को जरूर हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्रेडिट के रूप में तो सपोर्ट दिया है, लेकिन मार्केट क्रिएशन या डिमांड क्रिएशन के लिए कुछ खास सपोर्ट नहीं किया है। उस पर फिस्मे का सोचना थोड़ा अलग है, और हमारा ये मानना है कि जो बजट 2021-22 का पेश हुआ था उसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी एलोकेशन किया हुआ है। यदि आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का ही, तो 34% हायर एलोकेशन था पिछले सालों के मुकाबले। तो पोर्ट्स में, रेलवेज में, रोड में, हाउसिंग सेक्टर के लिए। तो मेरा ये समझना है कि जैसे अभी बजट पेश होने के तुरंत बाद अप्रैल से जैसे उसको लागू होना था, अप्रैल में पूरा लॉकडाउन में चला गया है, तो जैसे जैसे बजट का पैसा ट्रैक्शन में आएगा तो जिस तरह की डिमांड क्रिएशन की उम्मीद है वो डिमांड क्रिएशन आएगी वापस मार्केट में, और बिजनेसेस को इसका फायदा। Ramesh, you had asked for certain amendments in ECLGS. How are you viewing this latest step by the government? Yeah, Saurabh, actually, we first of all thank our finance minister for this announcement. See, really, how they are going to implement this? Who are all eligible? See, up to our knowledge, today we came to know that who are all claimed last year, na, this scheme, they are not eligible to claim this second scheme. So they are not eligible to claim this time. That is what we came to know that. So we are getting, try to get clarification in this. Anil Saab, आपसे हम जानना चाहेंगे, रमेश जी specifically इस पर clarification चाह रहे हैं, ECLGS पर, impact eligibility पर, जिन्होंने last year claim किया था, restructuring के लिए impact जो आगे बढ़े थे, उस पर आप कैसे समझाना चाहेंगे? जहाँ तक मेरी समझ है, क्लैरिफिकेशन तो कुछ आएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि उसका जो स्कोप है बढ़ाकर 40% कर दिया गया था, तो 20% जिसने लिया है वो 20% और ले सकता है, ये अभी क्लियर है। और कुछ नए जो सेक्टर्स उन्होंने कहा कि वो हम बाद में जारी करेंगे लिस्ट, तो वो जारी हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन जिसने पहले लिया है यदि 20% लिया है तो 20% और ले सकता है, ये तो क्लैरिटी है। रलन साहब, आप हमें बता सकें आपकी क्या राय है क्रेडिट गारंटी स्कीम पर? इसके तहत 25 लाख स्मॉल बोरोवर्स को लोन देने की बात है। कहा जा रहा है कि इसमें जो 89 डेज तक के डिफॉल्टर्स हैं वो भी एलिजिबल होंगे। क्या इस मूव से जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट मिल सकता है? एक्चुअली हमने देखा है कि जो माइक्रो है दैट इज रियली इन सूप, वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, वो बोझ के तले ऑलरेडी दबा हुआ है, और पैसा लेके और उसके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। ये एमएसएमई की प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है।
लोन देना इस समस्या का हल नहीं है मेरी समझ में। तो मैं एक्सपोर्टर्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट में ऑर्डर्स बहुत हैं, देयर इज अ फ्लड ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम यूरोप एंड यूएसए, तो उनको वर्किंग कैपिटल के लिए जरूरत थी क्योंकि रॉ मटेरियल सारा बढ़ गया, तो उनके वर्किंग कैपिटल की स्केर्सिटी आ गई। इसलिए ये स्कीम किसी हद तक फायदा करेगी। कार्तिक साहब, द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक स्टील, आयरन ओर, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, पीवीसी, पेपर, केमिकल्स हैव ऑल इंक्रीज्ड मेजरली फ्रॉम 50 टू ऑलमोस्ट 100% इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैज लेड टू सच अ ह्यूज जंप इन प्राइसेस? Thank you, Saurabh. See, the rise in raw material cost has impacted the industry very much. That all of us know very well, for which the ICA movement has been also been formed to represent to the government on the issues faced. Why this price rise? This is a question which we are also asking to the government, for which you have not got any answers. See, post the first lockdown, the industry was doing, all the industries picked up very well on the support given by the government by virtue of the ECGLS scheme, and there was money put in the hands of the people. So there was some kind of the demand rise rose up considerably, and the industry was also picking up gradually after the 2 or 3 months of lockdown. But suddenly the raw materials prices got rising. See, we were able to understand some kind of materials like copper, which is based out of LME, copper, aluminium, which are based out of LME. But the cost of other materials, particularly what we are unable to understand, is the cost of iron and steel, which is made from the ore, which is mined from the own country, from India, which is the resource of our country. But in spite of that, हमारा देश का जो रिसोर्स है उसको लेकर हमारा हमको जो स्टील का आयरन का प्राइस जब भी अभी मिल रहा है वो इंटरनेशनल प्राइस से भी ज़्यादा हो रहा है। इट इज़ लाइक द प्राइसेस ऑफ आयरन ओर, द स्टील मेड फ्रॉम द आयरन ओर माइंड फ्रॉम आवर कंट्री, द प्राइस ऑफ स्टील ऑफ इंडिया इज मच इज ऑन पार विद द इंटरनेशनल इन द इंटरनेशनल लेवल्स। दैट्स व्हाट वी आर हियरिंग इट। वी एब्सोल्युटली वी हैव नो क्लू व्हाई आवर प्राइसेस आर राइजिंग। See, one more thing what we are representing to ICA is that with no increase, with a limited increase in the input cost of raw materials for the steel mills. See, there's not much increase in the price of iron ore and etc. Even today, we are hearing that the cost of steel is going to rise up by another 20 rupees immediately. And by October, you can see another some 10 to 20% of rise. See, we don't know how much we are going to sustain this one. Yeah, Ramesh ji, so in a way, there are some raw materials which are linked to international markets, but you also feel there is some sort of cartelization which is at play? And what are your expectations now? What type of steps are you expecting? They have to listen to our points, whichever we have given to all ministers like MSME minister, Prime Minister, Commerce Minister. We have given representation across all ministers. They have to listen to us, get our suggestions, and then they have to form a separate committee to analyze this raw material price hike. And then they have to come to a conclusion, and then they have to save MSMEs. Or else we'll be in deep trouble. It leads to unemployment, and then economy problem. Everything will be here. So government should step in immediately. They have to address whatever problems of MSMEs. The priority is, one is raw material, second is finance. So or else in next 2-3 months, this is going to be a big trouble to all MSMEs across India. नलिन साहब, ये बताइए, स्टील की जहां तक बात है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के फ्रंट पर कैसी स्ट्रेटजी बनानी होगी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट किया जाए? देखो, हमने एक चिट्ठी लुधियाना हैंडलूम एसोसिएशन की तरफ से चिट्ठी गई है प्राइम मिनिस्टर को, और चिट्ठी वो मार्क हुई है स्टील मिनिस्टर को, एंड स्टील मिनिस्टर हैज ऑलरेडी फॉर्मड अ कमेटी टू लुक इनटू द प्राइसेस ऑफ द स्टील। देखो, ऐसे वी हैव सजेस्टेड देम दैट देयर शुड बी a bank, steel bank, like the government of India or any state government, they make a land bank so that the investment from abroad or all over the world should come to that state or India. Ye government ko ek bank banana chahiye
40% of all the production of all the prime steel manufacturers, they are 6 or 7. So they should contribute that 40% of the production to the MSME. रलन साहब, कभी बच सकेगी नहीं तो नहीं बचेगी। रलन साहब ये बताइए, तो फिर जो रॉ प्रोडक्ट है, रॉ प्रोडक्ट के मुकाबले आपका मतलब ये भी नजरिया है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए? एब्सोल्युटली। जैसे आप ये समझ के चलो, एक आइटम 100 रुपए किया जो स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर ये इसके ऊपर थोड़ा चेक लगा दे, जैसे मैंने कहा कि 60% दे शुड बी अलाउड टू एक्सपोर्ट, तो 40% में उतनी ही डॉलर्स आएंगे जैसे जितना कि ये 60% एक्सपोर्ट करके आएंगे, क्योंकि वैल्यू एडिशन इन सम ऑफ द प्रोडक्ट जैसे ऑटो कंपोनेंट्स हैं और सम वेरी स्पेसिफिक पेक्यूलियर कंपोनेंट्स हैं ब्रास और कॉपर के, उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है। उसमें 500 रुपये अगर कॉपर है तो कॉपर प्रोडक्ट 1500 रुपये किलो में जाता है। सो वैल्यू एडिशन गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि वैल्यू एडेड जो भी प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करें। अनिल जी, एमएसएमईज के लिए अगर हम देखें, अभी फिलहाल इस सिनेरियो में ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं ये इनकी तरफ से ये डिमांड रखी गई है जो पीएसयूज को जो ऑर्डर्स हैं उनके कैंसिलेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसमें एमएसएमईज के लिए कोई पेनल्टी ना हो, ब्लैक लिस्टिंग ना हो। माना जा रहा है कि ये स्टील प्राइसेस में तेजी एक तरीके से फोर्स मेजर है, आपकी क्या राय है? नहीं, ये फोर्स मेजर क्लॉज की तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। और लेकिन देखिए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो बहुत तेजी से पिछले 6 महीनों में बढ़े हैं, उसकी जो गंभीरता है उसको समझने की जरूरत है और उसके कारणों को भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट से इसका समाधान नहीं होगा। पहली बात तो यह है, प्राइसेस स्टील के हिंदुस्तान में इस बात से तय नहीं होते कि मेरे पास माइन है या नहीं है, इस बात से तय होते हैं कि यदि कंपटीशन हुआ इंपोर्ट से तो लैंडेड कॉस्ट क्या है। तो यदि लैंडेड कॉस्ट मेरे प्रोडक्ट के मुकाबले दुगनी आ रही है तो मैं अपना प्राइस खुद यहाँ पर ही दुगना कर लेता हूँ। इससे मतलब नहीं है कि मुझे कितने में मिला रहा मटेरियल, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए न केवल हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हुई हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है, सेफगार्ड ड्यूटीज लगी हुई है, और उसके बाद कुछ मिनिमम इंपोर्ट प्राइस तक लगा हुआ है। और यही बात नहीं रुकती, कहीं प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगे हुए हैं जिसमें स्टैंडर्ड्स होना चाहिए और ये होना चाहिए, सबकी कॉस्ट एक्युमुलेट होकर इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले 30-40% ऑलरेडी यहाँ बढ़ी हुई होती है। तो यदि इंटरनेशनल प्राइस 25% बढ़ा है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 50-60% बढ़ जाता है। ये वस्तु स्थिति है। अब ये इसकी लड़ाई सिर्फ सरकार से चिट्ठी लिखने से नहीं होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसका समाधान यदि है तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके थ्रू हो सकता है। और उसको यूज करने के लिए एसएमई एसोसिएशंस को रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जो बड़े आराम से हो सकती है कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर भी गवर्नमेंट एमएसएमई से प्रोक्योर करती है, उसमें सभी में जो प्राइस एस्केलेशन की क्लॉज है रॉ मटेरियल लिंक्ड होनी चाहिए। तो काफी हद तक वो समस्या खत्म हो जाती है। यदि मेरे रॉ मटेरियल के प्राइस 25% बढ़े तो ऑटोमेटिकली ही मेरा वो एक फार्मूला है जो ऑलरेडी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगता है और ट्रांसफार्मर आप सप्लाई करते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, तो वो फार्मूला ऑलरेडी ईमा जो एसोसिएशन है इलेक्ट्रिकल्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो एक फार्मूला के तहत प्राइस एस्केलेशन का वो फार्मूला जारी करती है। उसी तरह का फार्मूला लगभग सभी प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए बन सकता है। ये काम सरकार से। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द इंपोर्ट फ्रंट, व्हाट काइंड ऑफ इंपोर्ट आर यू एक्सपेक्टिंग? सी, व्हाट वी आर रिक्वेस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रिमूव द ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स इमीडिएटली, सो दैट एटलीस्ट वी कैन सी वेदर वी कैन गेट द वी कैन इंपोर्ट द प्रोडक्ट्स एट मच कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑन स्टील्स एंड ऑल्सो ऑन द अदर रॉ मटेरियल्स वेयर एवर पॉसिबल।
this is the immediate solution what we are expecting from the government as for the import of raw materials. Rameshi, there have been challenges on the working capital front. You have meanwhile demanded GST based funding. Will that in a way help in purchase of raw materials? Can you share your thoughts on that, please? See, based on GST, we have asked for additional loan. If we get additional loan, definitely we MSMEs will be having more funds. Based on this, we can the business will be good now. रलन साहब ये बताएं तो फिर ये जो वैल्यू एडेड सेगमेंट है इसमें जिस तरह की इनपुट प्राइसेस हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर भी इसका काफी असर पड़ रहा होगा. बिल्कुल पड़ रहा है. एक्चुअली इस वक्त मैं तो ये कहूंगा कि एमएसएमई वाले जो भी हैं जो भी काम कर रहे हैं वो लॉस पे कर रहे हैं. बहुत फर्क पड़ रहा है. मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, आप जो बोल रहे थे कि क्या चाहिए, कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्सपोर्ट ऑफ स्टील के ऊपर ड्यूटी लगानी चाहिए 30%. ये जो प्राइम स्टील प्रोड्यूसर है ये क्या खेल खेलते हैं कि जो चाइना में प्राइस है अगर मैं इंपोर्ट करूं उसके ऊपर जितनी ड्यूटी लगेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, वो सारी ऐड करके जो प्राइस बनती है वो प्राइस ये कैलकुलेट करके रखते हैं. दे आर वेरी स्मार्ट पीपल. इनके पास बहुत बहुत एक्सपर्ट हैं जो इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं. सो दैट इज व्हाई द स्टील इन इंडिया इज मच मोर एक्सपेंसिव. ये नहीं होना चाहिए. बड़ा अच्छा सजेशन आया है कि कंपटीशन कमीशन के पास भी जाना चाहिए. ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन ने ये इसका नोटिस लिया हुआ है, ये मैंने पेपर में पढ़ा था. तो ये एक्चुअली ये गवर्नमेंट को इमीडिएटली इंटरवीन अगर करना पड़ेगा. NSIC also has a raw material assistance scheme. How can that be made more effective in these times? Yeah, definitely NSIC can do a big role in this. Already we are in touch with one mess. So he said definitely we'll do some strategy and then we'll do some raw material handling through government. So definitely we are very much hopeful that NSIC will help us in a big way. Final comments from your side. The ECGL scheme should be made as simple as it was like last time. It should be like a pre-approved credit for each and every MSME. Last time it was pre-approved. So every MSME, the bank, the onus was on the bank to contact the MSME, and the MSME, there's a credit was approved to the MSME, and the MSME, if the MSME doesn't require it, they have to give in writing, I don't require the ECGL scheme. It was like a pre-approved credit, similar to this time also, for the amount which the finance minister has committed around 150,000 crores. If it is a pre-approved credit, it will be of very much helpful to the MSMEs. Instead of this, rightly said, it is somewhat complicated till we get a solution. This is the solution which we are expecting. A pre-approved credit will be much more helpful. Ralan sahab, ye batayein, baat ki raw material ki aur specifically jo steps liye gaye hain, wahin par hum ye bhi dekh rahe hain ki fuel prices jis tarah se badhe hue hain, usse logistics cost bhi badh gayi hai. इससे भी दबाव बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल इफेक्ट्स हो रहे हैं. ये गवर्नमेंट को आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग सो. गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू इट. हमारी ये तो लोकल फ्रेट तो बढ़ा ही बढ़ा है. हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या और खड़ी हो गई है. दी ओशन फ्रेट हैज़ इंक्रीज बाई 100% टू 300%. This is one of the biggest issue, and when we met the minister, because all the shipping companies are foreign based, so the government says we cannot interfere. But I think if the intention is there, तो ये कर सकती है government. ऐसी कोई बात नहीं है. पर मैं एक बात और कहूँगा, hope sustains life का मैं ये कहूँगा, जो steel prices है जो बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन द पास्ट, बिकॉज आफ्टर एवरी 5-6 इयर्स ये प्राइस बढ़ती थी और ये भी बढ़ी है इस बार. बट इस बार ये हुआ है कि ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्गर पीरियड पर चला गया. ये बैलून होता है, ये फटने वाला है. ये भी हो सकता है कि ये बहुत जल्दी 2-4 महीने में ये फट भी जाए, ये भी हो सकता है. चलते हैं अनिल साहब, आपका भी एक लास्ट वर्ड. आने वाले दिन
आने वाले महीने कैसे रहेंगे, किस तरह की उम्मीद है? भाई जैसे जैसे जो इन्वेस्टमेंट बजट के अंदर अप्रूव की गई थी वो मार्केट में आना शुरू होती है, इन्वेस्टमेंट होना बढ़ना शुरू होता है। हाउसिंग सेक्टर अकेले पर 60 प्रोडक्ट कैटेगरीज है स्मॉल स्केल की जो रन करती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी आने वाले महीनों में, यदि बहुत ज़्यादा दोबारा थर्ड वेव जैसी परिस्थितियाँ नहीं बनी। हाँ, मुझे लगता नहीं कि ऐसी बनेगी जैसे जैसे हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जहाँ तक अभी लास्ट जो पॉइंट था कि जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो बढ़ी है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बढ़ी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से फिनोमिना है। उसके कई कारण हैं, सुइस कैनाल के अंदर वो फंसने का जो जहाज जिसकी वजह से डिसरप्शन हुआ, और जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन कोविड की वजह से हुआ है उसकी वजह से कंटेनर्स जो है उसका स्मूथ मूवमेंट नहीं है। तो कुछ जगह तो ऐसी हैं कि वो इकट्ठे हो गए हैं और कुछ जगह है जहाँ शॉर्टेज हो गई है। तो जो टर्न अराउंड टाइम है शिप का किसी भी पोर्ट पर वो 20-25% बढ़ा है। वही उसकी कॉस्ट है कि कितनी जल्दी आप टर्नओवर बढ़ाते हैं, टर्न अराउंड टाइम कितना कम करते हैं कुल, और साथ साथ फ्यूल प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो इन सब का नतीजा कुल मिला के ये हुआ है कि इसके प्राइस बढ़े हैं लॉजिस्टिक्स के। पर ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है और मेरे ख्याल से एक क्वार्टर के अंदर अंदर ये सिचुएशन नॉर्मल हो जानी चाहिए। इतना ही समय था। रमेश जी, अनिल जी, रलन साहब, कार्तिक जी, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।